दो शख्स जिनका नाम है सजाद अहमद और महमूद, जो कि चुरुंडा और धनी सईदा उड़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने कोई कॉन्ट्राबैंड कंसाइनमेंट जो है रिसीव किया है और उन्होंने चुरुंडा इलाके में छुपा के रखा है। इस इतला के मौसूल होते ही जो है केस रजिस्टर किया गया NDPS एक्ट के तहत, और मजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टी ने जो है आर्मी के ट्रुप्स की मदद से चुरुंडा इलाके में सर्चेस कंडक्ट की। इस सर्च के दौरान जो है इन अक्यूज्ड के डिस्क्लोजर पे हमने कॉन्ट्राबैंड और कैश रिकवर किया, और इन्हीं के कहने पर जो है एक और इनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम फयाज अहमद है। फयाज के डिस्क्लोजर पे भी जो है कुछ कॉन्ट्राबैंड और उसके घर के सर्चेस के दौरान कुछ कैश भी जो है हमने रिकवर किया। अब तक जो कॉन्ट्राबैंड इस पूरे केस में रिकवर हुआ है उसकी क्वांटिटी है तकरीबन 7 किलो 800 ग्राम, जो कि लगभग 50 करोड़ रुपए की मालियत है। और साथ ही साथ जो कैश अब तक रिकवर हुआ है उसकी वैल्यू है टोटल 12,63,500 रुपये। और ये सारा जो मॉड्यूल है वो पाक बेस्ड नार्को हैंडलर्स के बिहाफ पे जो है चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है और भी अरेस्ट और रिकवरी होने की उम्मीद है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम उस एंगल पे भी जो है फिलहाल काम कर रहे हैं। इलेक्शंस के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल होता है एज ए इंड्यूसमेंट ड्रग या इंड्यूसमेंट गुड, तो उस पर भी रोकथाम करने की नीयत से और उसी घर से जो है पुलिस के जो एक्टिविटीज़ है उसमें इजाफा हुआ है, और उसी के चलते जो है अलर्ट ट्रूप्स और अलर्ट पुलिस नेटवर्क की वजह से ये बड़ा कंसाइनमेंट हमें हाथ लगा है।